हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गैप बैट खोलकर की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे ये एक प्लेट रखी हुई है। नीचे ये इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, जो इस गैप के ऊपर नहीं आएगा। तो हम लोग इसका जो ये पोर्शन है गैप, ये खोल देंगे ताकि हम लोग इसको लगा कर मशीन में काम कर सकें। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बोल्ट्स लगे हुए हैं, 3 बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो इनको हम लोग खोल देते हैं। तो ये हम लोगों ने ये बोल्ट खोल दिए हैं इसके, तो ये बोल्ट्स हम लोगों ने खोल दिए हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बोर्ड्स खुल गए हैं। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका ये गैप बैड हमने हटा दिया। अब चाहें तो जो बड़ी वाली प्लेट है उसको हम लोग छत में बांध सकते। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बैड से बड़ा डायमीटर है, और अब उसको हम घुमा पा रहे हैं, तो अब हम कोई भी काम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग गैप बैड हटाकर काम कर सकते हैं। हम लोगों ने इस पर काम करने के बाद उस प्लेट को निकाल दिया है। अब हम जो गैप बैड है इसको वापस फिट कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को सिर्फ यह ध्यान रखना है, इसके जो नीचे जो डबल पिन है उसके डबल पिन को उसके अकॉर्डिंग गैप में सेट करना है। इसकी अब डबल पिन बैठ चुकी हैं। अब हमें लकड़ी के मैलेट से इसको टैप करना है। अब हम इसको टैप करके इसको सेट करना है। इसकी साउंड बदल गई है, इसका मतलब ये सेट हो गया। अब हम लोगों को चेक भी कर सकते हैं। अब हम इसके बोल्ट जो हैं वो लगा देंगे। अब हम इसको टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने पहले एक बैट हटाया, उस पर बड़ी प्लेट डायमीटर की प्लेट लगाई, उस पर काम किया, उसके बाद में दोबारा एक गैप बैट को वापस फिट कर दिया हम लोगों ने, तो हमारा काम संपन्न हो गया।